गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए जल्दी से सब जुट जाइए। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज द हिंदू करंट अफेयर्स के सेक्शन में। अभी दोबारा जल्दी से लाइव आ जाओ ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें। फेसबुक पे भी मैं लाइव हूँ और मैं वो यूट्यूब दोनों पे मैं कहीं ना कहीं लाइव हूँ। तो एक बहुत ही अच्छी, अगर हम बात करें कोट से स्टार्ट करते हैं। इफ यू कांट या कैनॉट डू ग्रेट थिंग, डू स्मॉल थिंग इन अ ग्रेट वे। भैया अगर आप बड़ी चीज नहीं कर पा रहे हो तो छोटी छोटी चीजें ही कहीं ना कहीं बड़े तरीके से यानी अच्छे तरीके से करो। नेपोलियन हिल के द्वारा कही गई ये कहावत अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में हमें इंप्लीमेंट करनी है। नीड बिकॉज क्यों इंप्लीमेंट करनी है भाई, बड़ी चीजों की तरफ हम लोग भागते हैं और इसके वजह से हो सकता है हम लोग छोटी चीजों को भी छोड़ दें। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है और उसे अच्छे वे में करना है। आज है 16th ऑफ मार्च, दैट इज नेशनल वैक्सीनेशन डे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस। प्लीज इंटरनेशनल वैक्सीनेशन डे से इसे कहीं ना कहीं कंफ्यूज मत करना। इंटरनेशनल वैक्सीनेशन डे नहीं होता, इंटरनेशनल वैक्सीनेशन वीक होता है जो कि हम अप्रैल के एंड के वीक में मनाते हैं। 24 से लेकर 30 अगर हम बात करें नेशनल वैक्सीनेशन वीक के रूप में हम लोग मनाते हैं। भाई वैक्सीनेशन डे और ये वैक्सीनेशन अगर हम बात करें क्यों इंपॉर्टेंट, 16 ही मार्च को क्यों मनाया जाता है तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये बेसिकली डे हम जोड़ते हैं किससे, तो वर्ष 1995 में, देखो भाई मैंने यहाँ हाईलाइट भी करा, वर्ष 1995 में हम लोगों ने पहली बार वैक्सीनेशन देना स्टार्ट किया था और खास तौर से ये एक प्रोग्राम के अंतर्गत था, दैट इज पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंतर्गत। भैया अब पोलियो भारत में नहीं है। 27th of March 2014 को भारत के साथ कुछ 11 देशों को पोलियो फ्री घोषित कर दिया था WHO ने। ये कुछ देश कौन कौन से हैं, तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन वाले कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, इवन दो कोरिया, नेपाल और श्रीलंका जैसे कुछ पर्टिकुलरली, इवन दो थाईलैंड भी अगर हम बात करें, कुछ ऐसे देश हैं जो कि अगर हम बात करें पोलियो फ्री हो चुके हैं। लास्ट पोलियो का केस जो भारत में देखने को मिला था वो 13 जनवरी 2011 को देखने को मिला। इसके बाद कोई और पोलियो का केस हमें नहीं देखने को मिला, यानी 27th of March 2014 हम कंप्लीटली पोलियो फ्री बन चुके थे। वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, वैक्सीनेशन में बेसिकली स्मॉल एंड कंट्रोल्ड वे में जर्म्स हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और ये जर्म्स अगर हम देखें मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ पिंकी मलिक, लेकिन थोड़ा सा देखो डेटा एक्चुअली बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा हमें फास्ट भी होना पड़ेगा। भाई देखो यहाँ अगर हम बात करें, अगर हम वैक्सीनेशंस की बात करें तो वैक्सीनेशंस बेसिकली क्या होते हैं, वैक्सीनेशंस में कंट्रोल्ड वे में जर्म्स को इंसर्ट किया जाता है हमारी बॉडी में। ये जर्म्स कंट्रोल्ड वे में जब इंसर्ट होते हैं तो ऐसे केस में हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट में एंटीजन्स को बनाती है। एंटीजन्स को बनाने से अगर हम बात करें, एक बार एंटीजन हमारी बॉडी में बन जाएगा तो फिर लाइफ टाइम हमें वो बीमारी कभी नहीं होगी। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिटवीन बिसाइड वैक्सीनेशन, अगर हम बात करें ये कॉन्सेप्ट है वैक्सीनेशन का, जिसके वजह से आज वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती गई है। गाँव देहात में आज भी महिलाएं बड़ा डरती हैं, वो कहती हैं छोटे से बच्चों को आप इतना दर्द कैसे दे रहे हो, तो प्लीज ध्यान रखिएगा ये उनके बेटरमेंट के लिए, उनके भले के लिए, और इसलिए अगर हम बात करें इसी की जागरूकता को फैलाया जाता है। यहां हम बात करें नेशनल वैक्सीनेशन डे की, यहां हम नेशनल वैक्सीनेशन डे, ध्यान रखिएगा 16th ऑफ मार्च, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेशनल वैक्सीनेशन डे है, हम नेशनल वैक्सीनेशन डे की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें अप्रैल के एंड में क्या बनाया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय वैक्सीनेशन वीक बनाया जाता है, जिसका थीम होगा इस साल का वैक्सीनेशन वर्क फॉर ऑल। क्लियर है, अब जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। जरा देखो अपने सेक्शन में आते हैं, हमारा सेक्शन हमारा है आज का, दैट इज द हिंदू। द हिंदू को उठाते हैं, द हिंदू को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब द हिंदू में देखो भाई आज क्या खास है, तो भाई सबसे पहले तो एक न्यूज आपके सामने ही है, दैट इज द कंफर्म्ड कोविड 19 केसेस राइज टू 114। भैया कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम बात करें 1, पंजाब में 1, हरियाणा में 14, राजस्थान में 3, महाराष्ट्र में 14, कर्नाटका में 6, केरल में 19, तमिलनाडु में 1, आंध्र प्रदेश में 1, तेलंगाना में 1, यूपी में 11, दिल्ली में 6 और लद्दाख में 3। भाई इस वक्त ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट है, जरा देखो जरा, जो अगर हम बात करें व्हाइट कलर में, खास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर हम बात करें काफी अच्छी कंडीशन में क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, देखो मैं इसे थोड़ा सा जूम भी करता हूं ताकि देख सको। सबसे अच्छी कंडीशन में ये, मतलब यहाँ अभी हाँ अगर हम देखें तो कोई भी एक केस देखने को नहीं मिला, तो जो भी व्हाइट व्हाइट देखने को मिला वहां केस नहीं है, जो डार्क पोर्शन है वो देखने को मिल रहा है वो बेसिकली महाराष्ट्र का है जहां सबसे अधिक केसेस देखने को मिल रहे हैं। भाई यूपी में भी मामला कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और अगर हम इस पूरे आर्टिकल को पढ़े
तो ये पूरा आर्टिकल देखो क्या कह रहा है, तो ये पूरा आर्टिकल इस चीज को कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहा है कि कई और एरियाज में भी केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे उत्तराखंड में पहला केस देखने को मिल गया इस बार, कहा FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखने को मिल गया। FRI में एक बेसिकली अगर हम बात करें, एक प्रोबेशनरी अगर हम देखें, एक व्यक्ति आया था जो कि स्पेन से लौटा था, वो अगर हम बात करें पॉजिटिव देखने को मिला है, उसे कोविड हुआ हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट देखो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो दैट इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिलेटेड टू सार्क, ध्यान रखिएगा ये, दैट इज रिलेटेड टू सार्क। मैंने कल के पेपर में भी आपको बताया था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क की अगर हम बात करें तो सार्क वो देशों का समूह है जो कि साउथ एशियन कंट्रीज हैं एशिया में, और ये मिलके अगर हम बात करें एक ग्रुप बना के बैठी हुई है। अगर मैं सार्क की बात करूं तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसे और हाईलाइट कर देता हूं। देखो सार्क की मैं बात करूं तो सार्क अब यहाँ कल भी बात कर रहा था कि हम मिलके मीटिंग करेंगे, और जब मीटिंग की बात हुई तो इस मीटिंग का क्या आउटपुट निकल के आया वही कहीं ना कहीं आज हाईलाइट किया गया, तो हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं आज के इस पर्टिकुलरली सेक्शन में। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, देखो क्या हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि आज मीटिंग का क्या आउटपुट निकल के आया। देखो भारत के प्रधानमंत्री ने तो ये बात क्रिस्टल क्लियर बोल दी है कि हम 10 मिलियन तक का फंड इकट्ठा करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने सार्क देशों को सभी को कहा है कि आप मिलके निकल के आओ। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं थोड़ा सार्क के बारे में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी कंट्रीज मिलकर बनाती हैं सार्क, यहां पाकिस्तान भी इंक्लूड है, कंफ्यूज मत होना, म्यांमार इंक्लूड नहीं है, म्यांमार की जगह मालदीव्स है। और सार्क अगर हम बात करें दुनिया का, वर्ल्ड का एरिया का 3% एरिया कवर करता है, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल कंट्री है जो कि अगर हम बात करें रॉ मटेरियल यानी एक पोटेंशियल मार्केट है चाइना का भी, और ग्लोबल इकोनॉमी में अगर हम बात करें इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो 2015 तक अप्रोक्सीमेट 2.9 ट्रिलियन तक का रहा, वर्ल्ड की पॉपुलेशन में इसका योगदान 3.8% है। इस आंकड़े से आप समझ सकते हो सार्क की इंपॉर्टेंस क्या है। और यही नहीं, आपको पता होना चाहिए ये ग्रुप कब बना हुआ था, तो ये ग्रुप ढाका में बना था और 8 दिसंबर 1985 में बना था। आपस में एक दूसरे को अगर हम बात करें एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था, चाहे वो इकोनॉमिकल लेवल पे हो चाहे रीजनल कोऑपरेशन लेवल पे हो। यही नहीं, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस है काठमांडू नेपाल में। अब बात करते हैं कि सार्क में भाई सभी थे, सभी थे। अब पहले पेज में अगर हम बात करें जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं उसे थोड़ा सा हाईलाइट यहां कर देता हूं। पहले पेज पे सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज में यह बताया गया कि भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे अपील करा है कि आप कुछ कुछ पैसा मिलाओ ताकि हम अगर हम बात करें कोविड-19 के खिलाफ लड़ सके, मिलके लड़ सके। तो फंड को इकट्ठा करने की बात करिए, और इसमें इनिशिएट करते वक्त भारत ने साफ साफ बोल दिया कि हमारे तरफ से आप $10 मिलियन का फंड ले लो। ये पैसा ऐसा नहीं होगा कि भारत अपने ऊपर ही खर्च करेगा, बल्कि इसी पैसे का इस्तेमाल सार्क कंट्रीज कर सकती हैं। क्लियर है? हालांकि आपको जान के हैरानी होगी, जब पेज नंबर 12 में पहुंचेंगे तो न्यूज थोड़ी सी और आगे हाईलाइटेड है, और जब वहां न्यूज देखेंगे तो वहां स्पेशली वहां मेंशन देखो क्या कर रखा, तो वहां मेंशन कर रखा उन्होंने कि पाकिस्तान ने साफ साफ अगर हम बात करें इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर की बात करना चालू कर दिया था इस पर्टिकुलरली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो इसको हम लोग आगे 12 नंबर पेज पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो हमारे पास अगली न्यूज देखो कहां से निकल के आ रही है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भाई पहले तो जरा नाम नोट डाउन कर लो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो मिस्टर शरद ए बोबडे, ध्यान रखिएगा मिस्टर शरद ए बोबडे। यहां बात क्या हो रही है, तो मिस्टर शरद ए बोबडे कह रहे हैं भैया कोविड के चक्कर में आपने लगातार क्या कर दी यार, आपने लगातार डेस्क बंद कर दी, अब कोर्ट की हेयरिंग नहीं हो पा रही, कई केसेस ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं, 16 मार्च को होली के बाद कोर्ट खुला था और अब लगातार अगर ऐसे बंद रहा तो बहुत से केसेस पड़े रहेंगे, अब इसका इलाज क्या किस तरीके से करें। तो उन्होंने कहा कई ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती हैं, कई ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं जो बेसिकली अगर हम बात करें पेपरलेस हैं, डिजिटल माध्यम से हो सकती हैं, तो ऐसी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस पूरे बात में एक चीज और ऐड की गई कि भैया एक अनदर मीटिंग, एक और मीटिंग हम लोग कर सकते हैं जो कि मार्च 18 को करेंगे, जिसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि भैया आखिरकार कितने केसेस हमको लेने हैं या सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होगी वो कितने केस और आगे लेगी। तो इस पे कहीं ना कहीं बात हुई। आगे बढ़ते हैं अपनी इंपॉर्टेंट न्यूज, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज पे। तो देखो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास निकल के आती है विद अ पिक्चर। अब देखो यार राइट हैंड साइड में आपको एक पिक्चर देखने को मिल रही है, एंड दिस पिक्चर की अगर हम बात करें, दिस पिक्चर इज ऑफ विंग्स विंग्स इंडिया 2020। ये एविएशन शो जो बेसिकली चल रहा है वो अभी कहाँ चल रहा है, तो भाई अगर आपसे पूछा जाए विंग्स इंडिया 2020 कहाँ हो रहा है, तो दिस इज द इवेंट दैट इज टेकिंग प्लेस इन हैदराबाद। ये कहाँ हो रहा है, ये हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट पे ये पर्टिकुलरली इवेंट चल रहा है। अब बात करते हैं कि ये इवेंट खास क्या है। देखो इस इवेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना यहाँ चाहूंगा, एविएशन से रिलेटेड पर्टिकुलरली ये इवेंट है,
थोड़ा सा तो देखो आपको पता ही होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन करवा रहा होगा ये पर्टिकुलर इवेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मिलकर ये पर्टिकुलरली इवेंट करा रहे हैं, और इन्होंने साथ में हाथ मिलाया है फिक्की के साथ भी। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की भी इंक्लूड है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन भी इंक्लूड है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इंक्लूड है। हैदराबाद में ये इवेंट स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और इसमें एयरबस, बोइंग और अलग अलग विमानों, अगर हम बात करें, अपनी काबिलियत को दिखाएंगे आखिरकार उनके पास कितना पोटेंशियल है। यही नहीं, अगर हम बात करें, सारंग नाम की दो टीम हेलीकॉप्टर के एरोबेटिक्स को कहीं ना कहीं शोकेस करेगी। ग्लोबल स्टार ऑफ ब्रिटिश पायलट्स भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एम क्या है बेसिकली, एविएशन इंडस्ट्री के पास अपनी कितनी पावर है इंटरनली, वो कितने स्ट्रांग है, कितना आगे बिजनेस कर सकते हैं, इसी पे कहीं ना कहीं फोकस करते हुए इस पर्टिकुलरली शो को रखा गया है। अगेन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये कहाँ हो रहा है, तो ये शो हो रहा है बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में, बेगमपेट एयरपोर्ट दैट इज इन हैदराबाद। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास क्या निकल के आ रही है। तो ये आर्टिकल बेसिकली दंगों में जो मंदिर थे वहां उन पे क्या हो रहा था उससे रिलेटेड पर्टिकुलरली ये चीजें न्यूज है, तो हमारे लिए कुछ खास नहीं है। ये अगर हम बात करें पुलिस पर्सनल स्टेट स्टेयर की बात करिए, तो ये भी कुछ खास हमारे पास निकल कर नहीं आता। अगेन कोविड को हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, कोविड से रिलेटेड है, कोविड का असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में स्कूल, सिनेमाघर सब 31 मार्च तक कंप्लीटली बंद हो चुके हैं। अलग अलग स्टेट्स में अगर हम बात करें बंद देखने को हमें मिल रहा, तो ये इससे रिलेटेड है। और अगला हमारे पास थोड़ा सा हम लोग नीचे पहुंचेंगे, तो देखो हमारे पास इंपॉर्टेंट और कौन सा आर्टिकल निकल के आ रहा है। तो ये जो बेसिकली अगर हम बात करें दैट इज रिलेटेड टू निर्भया केस, जिसके अगेंस्ट में कई लोगों ने आवाज उठाई थी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास और निकल के आ रही है भैया, हरियाणा में इस वक्त अगर हम बात करें किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, खासतौर से सरसों और गेहूं का ये वक्त है। और किसानों की बात है, एक तो किसान कह रहे हैं कि भैया काफी हमें लॉस भी हुआ, और उसके बाद अगर हम बात करें आज की डेट में कोई उनका सामान खरीदने के लिए भी रेडी नहीं हो रहा, और किसान बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं रोके हुए थे, और उनको स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है। और फिलहाल अगर हम बात करें, अभी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आया, कोई प्रोक्योरमेंट की डेट नहीं बताई गई है, और यही एक मेजर कंसर्न उनका बना हुआ है। वही नीचे अगर आप पिक्चर देखोगे, तो इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा इस वक्त एक पुलिस वाला व्यक्ति, बेसिकली आर्मी से रिलेटेड व्यक्ति, सीआरपीएफ से रिलेटेड व्यक्ति भी हो सकता है ये ओपीएम के प्लांट्स को खड़ रहा है कुंती डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में। ध्यान रखिएगा, ड्रग्स का अगर हम बात करें बिना परमिशन के आप उसे उगा नहीं सकते हो, तो इसलिए उसके अगेंस्ट में ये एक आर्टिकल निकल के आ रहा है। अगेन दैट इज रिलेटेड टू पंजाब एंड हरियाणा। आप सभी को पता होना चाहिए पिछले कुछ समय में जबरदस्त बारिश हुई है, जिसके वजह से खड़ी फसल अगर हम बात करें गेहूं की बर्बाद हो चुकी है, और यही रीजन है कि इस बार हम गेहूं के उत्पादन में इसका असर देखने को मिलेगा। खासतौर से पंजाब और हरियाणा की बेल्ट, जो कि गेहूं के उत्पादन के लिए खासतौर से नोन है, उनको जबरदस्त नुकसान हुआ है, और इसलिए वो आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार उनकी थोड़ी सी मदद करे। नाउ नेक्स्ट, अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट, अब देखो ये स्टार बना के नोट डाउन कर लो, ये खास है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कोविड-19 का असर देखने को मिला हमें उड़ीसा के एक फेस्टिवल पे, जिसका नाम है चैत्र जत्रा फेस्टिवल। चैत्र जत्रा फेस्टिवल बेसिकली तरा तरिणी डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू के द्वारा बनाया जाता है, जो कि तरा तरिणी हिल, अगर हम बात करें श्राइन, श्राइन के बगल में, यानी तरा तरिणी हिल जो दरबार है उनके जस्ट उसके जस्ट बगल में है। ये इस बार नहीं बनाया जा रहा है, कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ? इसे इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि कोविड-19 फैल रहा है। माना जाता है कि काफी कहीं ना कहीं लोग उड़ीसा के इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में इकट्ठे होते हैं, तो भाई फेस्टिवल का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, फिर से नोट डाउन करिएगा, चैत्र जत्रा फेस्टिवल, जो कि कहाँ होता है बेसिकली उड़ीसा में, कहाँ होता है तो तरा तरिणी हिल के जस्ट बगल में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। क्लियर है ये? नाउ नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अब जरा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज पे। तो हमारे पास अगली इंपॉर्टेंट न्यूज देखो कौन सी निकल के आ रही है। तो यहाँ बेसिकली बात की जा रही है कि क्या क्या बंद हो गया। 144 अगर हम बात करें सेक्शन के अंतर्गत, अगर हम देखें क्राउड के इकट्ठा करना अगर हम बात करें हटा दिया गया, इस वजह से कई चीजों को बंद किया जा रहा है, सिनेमा घर, म्यूजियम, इन सबको बंद किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये भी अगर हम बात करें कोविड के पोल्ट्री फार्मर्स पे क्या असर निकल के आ रहा है, उस पर एक आर्टिकल हमारे पास निकल के आता। अब अगला देखो, ये 8वें नंबर पेज पे जो कि साउथ का कॉलम है, हमें एक किताब का नाम निकल के आ रहा है। यहां से एक सवाल देखो हमारे पास बन सकता है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें एक बायोग्राफी, देखो एक्चुअली यहां मैं बता दूं पहले तो क्या हाईलाइट किया गया, स्वामी विवेकानंद पे लिखी गई बायोग्राफी बेसिकली सबसे पहली बार वर्ष 1933 में आई थी, और उसके बाद कई लोगों ने स्वामी विवेकानंद पे बायोग्राफी लिखी हुई है, यानी स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी अगर हम देखें बेसिकली कई बार आ चुकी है, मैरी लोस और प्रोफेसर शंकरी प्रसाद बासु के द्वारा भी लिखी गई। लेकिन अभी रिसेंटली कौन सी किताब निकल के आई है? तो भाई अभी रिसेंटली स्वामी गौतमानंद महाराज जी
और रामाकृष्ण मैथ के द्वारा लॉन्च की गई एक किताब, किताब का नाम क्या है? द मॉन्क हू टुक इंडिया टू दी वर्ल्ड, इस बुक को लॉन्च किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे किताब का नाम पूछा जाए तो किताब का नाम क्या है, तो देखो पहले कॉलम में ही उसे हाईलाइट किया गया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको जूम करके दिखा सकूं इसे भी। देखो पहले कॉलम में ही देखो हाईलाइट किया गया, कॉलम में क्या हाईलाइट किया गया, तो देखो भाई श्री रामाकृष्णन मैथ्स द प्रेसिडेंट ऑफ स्वामी गौतमा मैथ्स प्रेसिडेंट स्वामी गौतमा ऑन संडे लॉन्च अ बुक, इनके द्वारा लॉन्च किए गए। देखो स्वामी गौतम अनंदा ने लॉन्च करी है किताब, किताब का नाम है द मॉन्क हू टुक इंडिया टू दी वर्ल्ड। दिस बुक इज, अगर हम बात करें ऑन स्वामी विवेकानंद, ये किताब अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद के द्वारा के ऊपर लिखी गई किताब है। क्लियर है? तो स्वामी विवेकानंद के ऊपर लिखी गई किताब का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो किताब का नाम क्या है? द मॉन्क हू टुक दी वर्ल्ड। किसने ये पब्लिश करा है? तो एन रवि के द्वारा और द हिंदू ग्रुप के द्वारा ये पब्लिश किया गया है। क्लियर है ये? तो ये एक इंपॉर्टेंट किताब हमारे पास निकल के आती है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में। नाउ नेक्स्ट राइट में अगर हम बात करें, अगेन एक आर्टिकल कोविड पे है, तो ये भी हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं निकल के आता है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें एक और आर्टिकल देखने को मिलता है। आप देखो जरा राइट हैंड साइड में हमें देखने को मिलता है रेलवे ने, अगर कोविड के चलते हुए रेलवे ने अगर हम बात करें ब्लैंकेट को थोड़े वक्त के लिए बैन कर दिया, और इवन दो अगर हम बात करें रेलवे कोचेज यानी एसी कोचेज का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली अगर हम देखें तो बढ़ा के रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा ये न्यूज अगर हम देखें राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिल रही है। इस न्यूज में खास तौर से हाईलाइट किया गया है कि रेलवे अपने कोविड-19 के चलते हुए ब्लैंकेट, एक बहुत अच्छा पॉसिबल रीजन हो सकता है, ब्लैंकेट से बहुत तेजी से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें वायरसेस उसमें बहुत जल्दी स्टिक कर जाते हैं और धोना पॉसिबल नहीं होता, हर बार अगर हम बात करें धोना पॉसिबल नहीं होता। तो यही रीजन है कि कोविड के चलते हुए अब ब्लैंकेट्स एंड ऑल को नहीं दिया जाएगा एसी में, और टेम्परेचर को, जब ब्लैंकेट्स नहीं दिए जाएंगे तो देखो टेम्परेचर को भी 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। तो ये ट्रेन में कहीं ना कहीं फैसिलिटी स्टार्ट कर दी गई है। नाउ नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट ट्रेन का नाम नीचे कहीं ना कहीं हमारे सामने निकल के आ रहा है, एंड दीज आर दी ट्रेन जो कि बांग्लादेश और इंडिया को कनेक्ट करती है। भैया ट्रेन के नाम पहले जल्दी से नोट डाउन कर लो, ट्रेन के नाम निकल के आते हैं मैत्री और बंधन एक्सप्रेस जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती है। अब ये ट्रेन मार्च 15 से लेके अप्रैल 15 तक के बीच में नहीं चलेगी, कोविड के फैलने के वजह से ये पर्टिकुलरली स्टेप लिया गया है इंडिया और बांग्लादेश दोनों की तरफ से। फिलहाल अगर हम बात करें इंडिया डोमिनेटिंग है तो इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें ये पैसेंजर ट्रेन को रोकने की बात की गई है। अब ये पैसेंजर ट्रेन कोलकाता से अपने नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश के बीच में नहीं चलेंगी। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन देखो मैं बता दूं फिर से, देखो क्या बनेगा क्वेश्चन बन जाएगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेन सर्विसेज के नाम बताइए। तो ट्रेन सर्विसेज के नाम है मैत्री और बंधन एक्सप्रेस। क्लियर है ये? मैत्री और बंधन एक्सप्रेस, दीज आर दी टू ट्रेन जो अगर हम बात करें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती है। आगे बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तो देखो अगला इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास आज द हिंदू के न्यूज़पेपर में कौन सा निकल के आता है, तो दैट इज रिलेटेड टू उड़ीसा। उड़ीसा ने भी अगर हम बात करें तो एक सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में काफी फेमस है, दैट इज इन कोणार्क उड़ीसा, इसको भी शट डाउन कर दिया 1 वीक के लिए रिगार्डिंग अगर हम बात करें कोरोना वायरस। नाउ नेक्स्ट अब आते हैं हम देखो एडिटोरियल के पेज पे। अब ये एडिटोरियल देखो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये इंपॉर्टेंट, ये एडिटोरियल ये क्या कह रहा है एडिटोरियल? बेसिकली दिस एडिटोरियल इज रिलेटेड टू दी एजुकेशन। देखो एक्चुअली ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पिछले कुछ समय में काफी दंगे हुए और कई रियॉट्स यानी अगर हम बात करें दंगे जब हुए तो बच्चों का उस पर क्या असर पड़ रहा है या बच्चों पे क्या असर पड़ता है इसका, इसी चीज पे कहीं ना कहीं ये हाईलाइट करते हुए बात कर रहा है। ये दंगे बेसिकली क्या है मैं आपको बता दूं, एक्चुअली आप सभी को पता होना चाहिए दंगों की अगर हम बात करें, चाहे कोई भी दंगा उठा लो, चाहे 2020 में अभी रिसेंटली दिल्ली का दंगा हो, चाहे 1984 में सिख रिसॉर्ट हो, चाहे 2002 का गोधरा रिसॉर्ट हो, यानी कोई भी दंगा हो बच्चों का उस पर बहुत कहीं ना कहीं गलत असर पड़ता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोर वैल्यू ऑफ एजुकेशन देखें यानी हम बच्चों को यानी जो टीचर्स हैं वो जो बच्चों को क्लासेस में पढ़ाते हैं उससे उनको एकदम डिफरेंट एकदम अपोजिट देखने को मिलता है जब कोई दंगा वंगा हो, तो यही रीजन है कि वो सवाल कहीं ना कहीं पैदा करते हैं, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और इसलिए टीचर्स को अगर हम बात करें यानी टीचर्स की क्या हालत बन जाती है, तो टीचर की हालत उन्होंने कंपेयर करी है एक पर्टिकुलर व्यक्ति से, दैट इज साइफस। अब यहाँ देखो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक्चुअली साइफस क्या है, साइफस बेसिकली एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक राजा था। ये राजा अगर हम बात करें तो इसे वरदान मिला था तू बहुत मेहनती बन जा,
तो ये मेहनती बनना चाहता था, और मेहनती बनने के लिए क्या करता था, तो ये पहाड़ के ऊपर पत्थर लेके जाता था, और पहाड़ के ऊपर पहुंचने के बाद उस पत्थर को पहाड़ के नीचे फेंक दिया करता था। फिर उसके बाद पहाड़ के नीचे जाता था, और पहाड़ के नीचे जाके फिर पत्थर को उठाता था, और फिर पहाड़ के ऊपर लेके जाता था, और ऊपर से फिर पत्थर को नीचे फेंक दिया करता था। तो ये बार बार मेहनत करता था, और लेकिन उस मेहनत का क्या कुछ आउटपुट आया? ध्यान रखिएगा, उस मेहनत का आउटपुट जीरो है, आउटपुट जीरो हो जा रहा है। तो आज इस आर्टिकल में बड़ा एक इशू उठाया गया। इशू क्या उठाया गया? इशू ने ये उठाया गया कि भैया टीचर्स पूरे साल भर क्लास में बहुत कुछ बच्चों को सिखाते हैं अलग अपने अपने अलग अलग कहीं ना कहीं टीचिंग्स में, बट एंड ऑफ द डे अगर हम बात करें टीचर्स की हालत उसी पर्टिकुलरली राजा साइफस की तरह हो जाती है, जो कि अगर हम बात करें बार बार मेहनत कर रहा है लेकिन उसका आउटपुट क्या हो गया? जीरो। तो जब देखो दंगे एंड ऑल होते हैं और उसके बाद जब स्कूल खुलते हैं ना, तो बच्चों के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, और बच्चे बड़ी क्यूरियोसिटी में पूछते हैं कि भैया आपने जो मेरे को बताया था वो हमें आसपास देखने को नहीं मिल रहा। खास तौर से अगर हम बात करें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजन अमेंडमेंट बिल की जब बात हो रही थी, तो कई टीचर्स ने अपनी क्लास में इसे एक्सप्लेन किया, लेकिन जो उन्होंने एक्सप्लेन किया और जो उनको आसपास न्यूज चैनल में देखने को मिल रहा है वो बहुत ही डिफरेंट है, और इसलिए उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाती है। यही नहीं, आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले कुछ समय में कुछ ऐसे चीजें जो हम लोगों के कहीं ना कहीं किताबों में लिखी हुई है वो बहुत डिफरेंट है ग्राउंड से, और यही रीजन है कि ऐसे बच्चे जब क्लास में पहुंचते हैं तो वो क्वेश्चन पूछते हैं और वो अपने दिमाग में एक माइंडसेट बना के बैठ जाते हैं, और लेकिन जब उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और टीचर दोबारा उनके माइंडसेट को चेंज करने की बात करता है, तब तक फिर से हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि उनके कहीं ना कहीं माइंडसेट को चेंज करे। तो ये क्वेश्चन मार्क देखो यहाँ ध्यान रखिएगा, मिस्टर कृष्ण कुमार जो कि एनसीईआरटी के अगर हम बात करें फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं, तो उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं उतारा है कि भाई आज क्या हम लोग सही एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, या एवरी लाइन इन दी बुक इज वायलेटेड, यानी बुक में या किताबों में लिखी हुई हर एक लाइन बेसिकली गलत कह रही है। तो भाई बच्चों का एक बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं सवाल है, और इसीलिए इस आर्टिकल में साफ साफ इसी पे आवाज उठाई गई, या इसी पे कहीं ना कहीं इसी इशू को कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया। तो साफ वो ये कह रहे हैं कि देखो बच्चों को इन सब चीजों से थोड़ा सा हमें दूर रखना पड़ेगा, और उनको सही डायरेक्शन, यानी अगर हम चाहते हैं फ्यूचर अच्छा हो तो हमें सही डायरेक्शन और बेटर बेसिक ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करने के लिए अगर हम बात करें उनको सही तरफ आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल बेसिकली इसी चीज पे फोकस कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें बगल वाला एडिटोरियल देखो किस पे फोकस कर रहा है, तो भाई यहाँ बात हो रही है, आई होप सभी को पता होगा, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये तीन नाम है। तो यहां मैं थोड़ा सा बता दूं, देखो शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के पिताजी हैं जो कि पॉलिटिक्स में पहले रह चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला जी अभी हैं और इनके बेटे हैं उमर अब्दुल्ला। अभी अगर हम बात करें इनको बंद कर दिया गया था एज पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978, इनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, इनको नजरबंद कर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर में जब अभी रिसेंटली आर्टिकल 365 की बात हो रही थी। अब ये लोग अब धीरे धीरे इनको रिलीव करा जा रहा है, रिलीव किया जा रहा है, तो ये बाहर निकल के अपनी खुद की पार्टी बना रहे हैं, और अपनी खुद की पब्लिक पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी इन्होंने बना ली है। अब क्वेश्चन मार्क देखो हमारे पास क्या बन सकता है यहाँ से, अगर हम बात करें क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो मैं देखो हाईलाइट कर दे रहा हूँ इस आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है। तो भाई आपसे सवाल बन सकता है, जो न्यूली फॉर्म्ड अपनी पार्टी है बेसिकली जो कि बनाई गई है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, इसके लीडर कौन है? तो अल्ताफ बुखरा, अल्ताफ बुखारी, ध्यान रखिएगा, अल्ताफ बुखारी इज द न्यू लीडर ऑफ न्यू अपनी पार्टी मेड बाय द पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो वहां के लोगों ने कहीं ना कहीं बनाना स्टार्ट किया, एंड इट इज बीइंग अंडर फारूक अब्दुल्ला जी, जो कि अगर हम बात करें इसके लीडर के रूप में भी हो सकता है निकल के आए आने वाले दिनों में। अभी तो नहीं, अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती और इन सबको अभी भी डिटेन करके रखा हुआ है, इन सबको अभी भी बंद करके रखा हुआ है, धीरे धीरे कंडीशंस वहां जब सुधरेगी तो इनको छोड़ा जा सकता है। तो ये एक आर्टिकल अगर हम बात करें इस पे निकल के आता है, ये एक एडिटोरियल बेसिकली अगर हम बात करें इसी चीज को हाईलाइट करता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले एडिटोरियल पे। यहाँ देखो यहाँ एक्चुअली क्या है, जो एडिटर था उसने साफ साफ इशू उठाला है बीएसपी पे, भैया मायावती जी की ये पार्टी थी लेकिन जिस एम के साथ निकली थी अब वो एम रहा ही नहीं है, और इसलिए अगर हम बात करें उनका कोई इनका नेचुरल सी बात है उनका वजूद जो है वो गायब ही होता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पे हाईलाइट हुआ है, लेकिन ये कुछ खास नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें नहीं निकल के आ रहा है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एक चीज ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखो थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा और नीचे कहीं ना कहीं हम इलाबरेट किया गया, तो मैं वहां थोड़ा सा उठाऊंगा जो कि एमपी के इलेक्शन से रिलेटेड है, तो उसे थोड़ा मैं उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं उठाता हूँ ये पर्टिकुलरली टॉपिक, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल पोजीशन से रिलेटेड है। नाउ दिस इज व्हाट,
यहां बात हो रही है GERD, पहले तो हाईलाइट कर लेते हैं GERD क्या है। तो दिस इज ग्रैंड इथोपियन, प्लीज मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूं, इसे मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है, प्लीज से देख लेना भाई। यहां बात हो रही है GERD, दैट इज ग्रैंड इथोपियन रिनेसेंस डैम। ये बेसिकली एक डैम है जो नाइल नदी पे, देखो नदी का नाम पूछा जा सकता है, जो कि किस पे बना हुआ है, नाइल नदी पे बना हुआ है। और ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि इस डैम में कितना पानी रोका जाए या रोका ना जाए, या जाए भी तो कितना। बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट किसके, किन कंट्रीज के बीच में चल रहा है, तो इसमें अगर हम बात करें इथोपिया, इजिप्ट और सुडान, ये तीन नाम निकल के आते हैं, इथोपिया, इजिप्ट एंड सुडान। अभी आपको पता होना चाहिए, यहाँ एक फैक्ट भी हमारे पास निकल के आ रहा है, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली जी को अभी रिसेंटली शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, अक्टूबर के महीने में। नाम इनका अक्टूबर के महीने में नाम सामने निकल के आया था, बेसिकली 10 दिसंबर को ये पर्टिकुलरली अवार्ड दिया गया था। अबी अहमद अली जी को ये पर्टिकुलर अवार्ड क्यों दिया गया, इथोपिया के प्रधानमंत्री को ये अवार्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपने आसपास के देशों से होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को बड़ी शांति पूर्वक शांत कराया। नहीं कॉन्फ्लिक्ट शांत होता तो उनकी कहीं ना कहीं लड़ाई होती, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने बड़ी शांतिपूर्वक शांत करवाया, इसलिए अगर हम बात करें ये नाम भी यहाँ हाईलाइट हो रहा है। यहाँ थोड़ा सा मैं देखो ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको बता देता हूँ ताकि एक क्रिस्टल क्लियर कहीं ना कहीं आपके पास हो जाए कि आखिरकार ये कहाँ है। तो थोड़ा सा ज्यादा ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं हम, इथोपिया, देखो भाई यहां आपको मैप में देखने को मिला है इथोपिया, इथोपिया के बगल में ये सुडान है, यहां आपको देखने को मिल जा रहा है साउथ सुडान, और ये पार्ट अगर हम बात करें देखने को मिल जाता है आपको इजिप्ट का। नीचे आपको तंजानिया देखने को मिल जा रहा है, युगांडा देखने को मिल जा रहा है, केनिया देखने को मिल जा रहा है, सोमालिया देखने को मिल जा रहा है। क्लियर है ना। यहां बात क्या निकल के आती है, अगेन बात में फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूं, यहां बात हो रही है बेसिकली एक डैम की। ये डैम नाइल नदी के ऊपर बना हुआ है। अगर इस नदी की बात करें तो ये डैम का पानी किसको कितना मिलेगा, इसी इशू पे कहीं ना कहीं आज इन दो, इन तीन कंट्रीज के बीच में यही इशू चल रहा है। कंट्रीज का नाम आपसे पूछा जा सकता है, इथोपिया, इजिप्ट एंड सुडान। ये पार्ट खत्म कब होगा, तो माना जा रहा है इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली, जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, हो सकता है जल्दी ही इस इशू को सॉल्व करा दे। हालांकि इसमें पुरानी ट्रीटी की भी बात की गई है और इसमें हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स को भी उठाया गया, तो इसमें ट्रीटी में साफ साफ बात की गई है। तो वर्ष 1929 में एक ट्रीटी निकल के आई थी, उसी के बेसिस को उठा के हो सकता है इसके बाद इसमें आगे सोल्यूशन निकाल दिया जाए। फिलहाल अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आ रहा, लेकिन पानी अगर रोक दिया जाएगा तो आगे आने वाले जो देश हैं, इस नदी के ऊपर जो पानी अगर कम हो जाता है तो कई और कंट्रीज को बिजली की पैदावार करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये इशू कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल, अपने अगली न्यूज की तरफ। और हमारा देखो अगली न्यूज दैट इज रिलेटेड टू अगेन कोविड केसेस, बढ़ते हुए केसेस को कहीं ना कहीं इस ग्राफिकल वे में भी रिप्रेजेंट किया गया है। और इवन दो कितने कहीं ना कहीं केसेस आए, कितने लोग बच गए, कितने लोग टेस्ट किए गए, कितने केसेस सामने आए, उसको भी हाईलाइट किया गया। बस इसका एक मैं आपको बता दूं आउटपुट, देखो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है। कभी एपी सेंटर अगर हम बात करें, देखो हुआ करता है एपी सेंटर, बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो नो डाउट चाइना से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब अगर हम बात करें ये किस तक के पहुंच चुका है, यूरोप में। अब यूरोप में हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं, खासतौर से अगर हम बात करें स्पेन में लगातार कई केसेस बढ़े, एक ही दिन में बहुत तेजी से केसेस का बढ़ना अगर हम बात करें ये क्लियरली स्टेट करता है कि अब एपी, अगर हम बात करें सेंटर बढ़ चेंज हो चुका है और ये यूरोप में पहुंच चुका है, तो हम भी इससे बचे हुए नहीं है। देखिए हमारे पास भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा। अब अगला ये देखो, ये आर्टिकल या ये एडिटोरियल देखो किस पे कह रहा है, तो देखो ये इस एडिटोरियल को भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बताता हूँ कि एडिटोरियल किस पे है। ये बेसिकली बात कर रहा है इराक में कुदिश कम्युनिटी कम्युनिटी की, ये कुदिश माइनॉरिटी इराक में आपको देखने को मिलेगी। फिर से मैप में पहुंचते हैं ताकि थोड़ा सा इराक को हम लोग समझ सके। ये रहा इराक, अब यहां देखो जरा थोड़ा सा समझो, ये रहा सीरिया। सीरिया अगर हम बात करें एक ऐसा कंट्री है जिसमें पिछले कई समय से लगातार लड़ाई चल रही है, और जब किसी देश में लड़ाई होती है तो यहां अगर हम बात करें हाथ सेकने पहुंच जाते हैं दो कंट्रीज, अमेरिका और रशिया। और इसलिए यहां बेसिकली अगर हम बात करें ये एक ग्राउंड ऐसा बन चुका है जहां अमेरिका रशिया दोनों अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी अपनी कहीं ना कहीं पावर को दिखा रहे हैं। सीरिया से कई लोग पलायन कई अलग अलग कंट्रीज में कर रहे हैं, इवन दो अगर हम बात करें इराक एंड ऑल इस एरिया में भी कहीं ना कहीं पलायन हो रहा है। फिलहाल सीरिया की
पे जो लगा हुआ है यार, ये जो एरिया है टर्की का लगा हुआ और ये जो इराक का एरिया जो लगा हुआ है, यहाँ एक कम्युनिटी रह रही है। ये कम्युनिटी आप कह रही है, देखो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ माउस से, मैं थोड़ा सा जूम करके और हाईलाइट करता हूँ। मैंने आपसे कहा यहाँ देखो एलिपो बेसिकली, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा चल रहा है, यहाँ बेसिकली जो, हाँ मैं माउस से हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ बेसिकली एक कम्युनिटी रह रही है जिसको हम बोलते हैं अपने कुदिश माइनॉरिटी। ये कुदिश माइनॉरिटी अगर हम बात करें, पिछले कुछ समय से आवाज उठा रही है कि हम अलग हटके अपना खुद का देश बनाना चाह रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में उस माइनॉरिटी के द्वारा क्या कहीं ना कहीं बोला जा रहा है, इसी को कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया। ये एरिया अगर हम बात करें काफी अच्छा है, ऑयल बेरिंग एरियाज है, और इसलिए इसको अलग करना अगर हम बात करें बड़ा नुकसान होगा, अलग कंट्री बन जाती है तो कुदिश माइनॉरिटी को फायदा मिलेगा, इसी चीज को हाईलाइट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में किया गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। देखो भाई यहाँ JNK की डोमिसाइल पॉलिसीज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, कि आखिरकार जम्मू एंड कश्मीर में किसको नागरिकता मिलनी चाहिए किसको नहीं, उसी को बेटर डोमिसाइल पॉलिसी को लाने की बात इस स्टेट में की जा रही है, लेकिन कुछ खास बड़ा आउटपुट नहीं निकल के आ रहा। यहाँ बात हो रही है फारूक अब्दुल्ला जी की, वही पर्टिकुलरली मैटर चल रहा है कि भाई आखिरकार फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि भाई बेटे को भी रिहा करो और कई और लीडर्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के उनको भी रिहा करो, उनको हाउस अरेस्ट कर रखा था तो उनको रिहा करने की बात की जा रही है। अगला देखो हमारे पास यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि भैया जम्मू एंड कश्मीर का एडवाइजर कौन निकल के आया है। तो भैया ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसको प्लीज हाईलाइट कर लो, ये नाम आपके पास एग्जाम में आ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर के एडवाइजर के रूप में कौन निकल के आया है। तो प्लीज इसे मैं जूम करके हाईलाइट भी कर रहा हूँ। तो यूनियन मिनिस्ट्री ने संडे को अगर हम बात करें सैंक्शन किया है अपॉइंटमेंट, जिसमें एक IAS ऑफिसर जिनका नाम है मिस्टर बसीर अहमद खान अब डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के रूप में काम करेंगे, वह एडवाइजर के रूप में काम करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। ध्यान रखिएगा ऐसा स्टेप इसलिए उठाया गया ताकि उस एरिया को वो समझें और समझते हैं वो उस एरिया को, और इसलिए वो प्रॉपर अच्छा सजेशन दे सके जिससे हम जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट की बात और तेजी से कर सकें। ध्यान रखिएगा आप सभी को पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर एक अलग से राज्य अब बन चुका है 5 अगस्त 2019 को, अगर हम बात करें इसे इसे अलग कर दिया गया लेह लद्दाख से, तो इसलिए अगर हम बात करें ये एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हमारे पास निकल के आता है, तो एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। आगे बढ़ते हैं जरा अगली न्यूज में। हाँ अब ये देखो ये न्यूज देख बेसिकली क्या निकल के आ रही है। देखो पहली पहले पेज नंबर 1 पे हमने सार्क की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करी थी, तो अब इसमें थोड़ा सा और हाईलाइट किया गया है। बेसिकली क्या हाईलाइट किया गया, तो उन्होंने देखो साफ साफ कहा कि किन किन लोगों ने कहीं ना कहीं सार्क की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अटेंड किया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अटेंड करने वाले कौन थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अटेंड किया गया बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के द्वारा, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग के द्वारा, नेपाल के प्रधानमंत्री मिस्टर KP शर्मा ओली के द्वारा, वह इसके साथ साथ मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली के द्वारा, वेरस श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोताबाया राजा पक्कासा के द्वारा, और अफगान के प्रेसिडेंट अफगान घनी के द्वारा। इसमें पाकिस्तान अगर हम बात करें बेसिकली ना प्रधानमंत्री ना प्रेसिडेंट कोई इन्वॉल्व नहीं था, पाकिस्तान की तरफ से उनके एक रिप्रेजेंटेटिव हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली इन्वॉल्व थे, और उनका नाम क्या था, तो उनका नाम है जफर मिर्जा। अब देखो जफर मिर्जा जी, देखो सबने अपने अपने पार्ट रखे, सबने अपनी बात कही, इंडिया ने ओपिनियन उठाया कि सबको पैसा इकट्ठा करना चाहिए, जफर मिर्जा जी भी सामने निकल के आए, उन्होंने भी इस चीज को कहीं ना कहीं समर्थन दिया कि हाँ सबको पैसा इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर में लॉकडाउन है उसको हटाने की भी बात उन्होंने वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उठा दी। भैया इसका कोई भी मतलब वहां से रिलेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया, इसी चीज को इस चीज में यहाँ हाईलाइट किया गया है। अगला देखो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास निकल के आता है, दैट इज MP फ्लोर टेस्ट। भैया देखो यहाँ क्या इशू क्या निकल के आता है, ये MP फ्लोर टेस्ट क्या है भाई, नेचुरल सी बात है काफी समय हो चुका है, गवर्नर लालजी टंडन जी ने ऑर्डर दे दिया था कि आज ही फ्लोर टेस्ट कर लो, बजट का टाइम भी स्टार्ट होने वाला है मध्य प्रदेश में, फ्लोर टेस्ट करके कहीं ना कहीं मेजोरिटी को प्रूफ करना था। अब मेजोरिटी को देखो प्रूफ कैसे किया जा सकता है, तो देखो इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया कि देखो मेजोरिटी को प्रूफ करने के लिए हो सकता है, देखो सबसे बोला जाए कि आप अपने हैंड रेस करो, हाथ रेस करो, हाथ रेस करने पे देखो ये होता है वॉइस वॉइस रेस करना, मतलब देखो वॉइस बसली बेसिकली अगर हम बात करें वोटिंग का तरीका क्या है, ये तो वॉइस वोटिंग इसे हम बोलते हैं। वॉइस वोटिंग में सब लोगों को हाथ अगर हम बात करें यस या नो बुलवाया जाता है,
दूसरा हमारे पास जो तरीका हमारे पास निकल के आता है वो बैलेट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं हो सकता है। और तीसरा हमारे पास होता है सिक्योर वोटिंग, जिसमें कौन किसको वोट दे रहा है उसके बारे में किसी को नहीं पता होता। लेकिन यहाँ अभी जो इशू उठा है, यहाँ जो बात निकल के आई, वो बात निकल के आई वॉइस वोटिंग की, कि आप वॉइस वोटिंग करा लो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें, अभी तक इसका कोई आउटपुट इतना बड़ा नहीं निकल के आ पाया। तो इसलिए एमपी का जो फ्लोर टेस्ट है ये अभी भी अनसर्टेनिटी में बना हुआ है, अभी तक इसका कुछ खास निकल के नहीं आ रहा है कोई बड़ा आउटपुट। नाउ नेक्स्ट, अगला देखो ये क्या निकल के आता है। देखो ये बेसिकली आर्टिकल ये क्या कह रहा है भाई, यूपी की सरकार साफ साफ कह रही थी कि जिन लोगों ने दंगा किया उन दंगे वाले लोगों की हम लोग फोटो तक छाप के एक फ्लेक्स में प्रिंट करा के पब्लिक प्लेसेस में लगा चुके हैं, और हम इन लोगों से पैसा वसूलेंगे, जो भी घाटा या जो भी नुकसान हुआ हम उनसे पैसा वसूलेंगे। ध्यान रखिएगा ये केस हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने अगर हम बात करें स्टे लगा दिया। फिर उसके बाद योगी सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में, और योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक स्टे नहीं हटाया। लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि हम अगर इन दंगों को रोकना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, तो उसी चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। हालांकि आपको जान के हैरानी होगी कि भाई आज ही के पेपर के पहले पन्ने पे हाईलाइट किया गया है कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो दो लोग यूपी के सीएम योगी जी द्वारा जितनी भी अनएथिकल चीजें की गई हैं उनको हाईलाइट कर रहे थे और उनके पोस्टर चिपका रहे थे, तो उनको अगर हम बात करें बंद कर दिया गया है। तो ये आर्टिकल अगर हम बात करें ये बेसिकली न्यूज उसी पे हाईलाइट कर रही है। यहाँ अगर हम बात करें जोजिला पास की बात हो रही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जोजिला पास बेसिकली अगर हम बात करें श्रीनगर और लेह से हाईवे पे है, 434 किलोमीटर दूर। इस पास में काफी बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से अगर हम बात करें इसे क्लोज कर दिया गया, तो इसे ओपन करने की कोशिश की जा रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो हमारे पास क्या निकल के आता है। देखो स्पेन में बढ़ते हुए केसेस, यानी स्पेन में बहुत तेजी से केसेस बढ़े हैं कोरोना वायरस के, इस वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया है, एपिसेंटर के रूप में निकल के आ रहा है स्पेन। अगर हम बात करें 183 से अधिक डेथ हो चुकी हैं, 288 संडे तक अगर हम बात करें एक आंकड़ा निकल के आ चुका है, 6,000 लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इवन दो ट्रम्प का भी जो टेस्ट हुआ था, बेसिकली ट्रम्प बीच में ब्राजीलियन प्रेसिडेंट से मिले थे, इसलिए जो कि पॉजिटिव पाए गए थे, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट की क्रू पॉजिटिव पाई गई थी, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प का भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें टेस्ट हुआ और वो उसमें अगर हम बात करें नेगेटिव निकले, यानी उनको अभी तक कोरोना वायरस नहीं हुआ है ट्रम्प को, इस पर हाईलाइट किया जा रहा है। यूएस की अथॉरिटीज बेसिकली अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज से, यूएस में बहुत तेजी से लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि यूएस के कई लोग उठ के यूरोप में काम करते थे, अब वो वापस लौट रहे हैं, तो इसलिए यूएस के एयरपोर्ट्स पे काफी हैवी अलर्ट है कि माना जा रहा है लोग कहीं ना कहीं पलायन करते हैं, तो परेशानी तो होती है नो डाउट। ये अगर हम बात करें तो सीरिया में, मैंने अभी आपको बताया था कि सीरिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसी से रिगार्डिंग है। अगर हम बात करें जो रेबल है वो प्रोटेस्ट करते हुए हाईवे तक पहुंच चुके हैं नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री में, अहेड ऑफ अगर हम बात देखें तो टर्की और रशिया के पेट्रोल्स से एड निकल चुके हैं। तो ये एक न्यूज सीरिया में होने वाले दंगों से रिलेटेड निकल के आती है। नाउ नेक्स्ट, अगला देखो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो पेज नंबर अगर हम बात करें, पेज नंबर बेसिकली अगर हम बात करें 15 में, खास तौर से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर हम बात करें मनी की इंपॉर्टेंट बातों को उठाया गया। देखो मनी में देखो क्या है, यहाँ दो चीजें कहीं ना कहीं हाईलाइट की गई है। एक्चुअली यहाँ बात की जा रही है बैंक का फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है उस पर बात की जा रही है। तो इसमें अलग अलग बैंक्स को उठाया गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी उठाया गया, प्राइवेट बैंक्स को भी उठाया गया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी उठाया गया और फॉरेन बैंक्स को भी उठाया गया। तो सभी बैंक्स को उठाया गया। ध्यान रखिएगा यहाँ हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें पर एनम की, जो कि जो हाईएस्ट स्लैब जो हमें देखने को मिला वो 9% तक है और लोएस्ट स्लैब अगर हम बात करें वो हमें देखने को मिल रहा है 5%। Whereas लोन पे जो ब्याज देना पड़ेगा या इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो उसको भी यहाँ अगर हम बात करें हाईलाइट किया गया है। तो आज के पेपर में अगर हम देखें तो यही कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास खास निकल के आता है। आज इतना ही रखते हैं, अगले पेपर को कल फिर मॉर्निंग में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। कल से हम लोग अब इस पेपर को हम लोग उठाएंगे मॉर्निंग में 8 o'clock, और 8 o'clock हम लोग उठा के डिस्कस करेंगे। हाँ एक चीज थोड़ा सा और है हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आज की न्यूज पेपर में ये नहीं है लेकिन हमारे पास करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भी कदम उठाया गया है बेसिकली कोरोना वायरस के बारे में अपडेट करने के लिए। तो बिंग डॉट कोरोना वायरस बेसिकली अगर हम देखें माइक्रोसॉफ्ट का इनिशिएटिव है जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि कोरोना वायरस के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, जागरूक रहिए, इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस में साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, पीस आउट, थैंक यू एवरीवन।